गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 चेंज होने के बाद नोटिफाई कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 तक का जो एक्सटेंशन दिया गया था इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए, उन सारी चीजों को अमेंड करने के बाद नया फॉर्म नोटिफाई कर दिया गया है 30 मई 2020 को। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि आपने अगर 31 मई 2020 यानी कि कल के दिन में जो हमारा वेबिनार होने वाला है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स फॉर्म्स जीएसटी एएसएमटी 10, एएसएमटी 11 एंड जीएसटीआर 3A के नोटिसेस को लेकर के, उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोबाइल नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, यहां पर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो फीस है उसको पेमेंट करने के बाद। अब देखिए, जो हमारे पास फॉर्म्स निकल के आए हैं उसके अंदर क्या चेंजेस किया गया। सबसे पहला फॉर्म है ITR 1 सहज का फॉर्म, जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉई भरता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो पार्ट सी में जो डिडक्शंस की बात आती है और टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने की जब बात आती है, तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि आपका ATC का कोई डिडक्शन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो LIC का हो, NSE का हो, किसी भी प्रकार का हो, 31 मार्च तक आप नहीं कर पाए और 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच अगर करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेटा अब आपको इस वाले टेबल में डालना होगा। वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। अगर आपने कुछ करा है 1/4/20 से 30/6/20 के अंदर, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यस या नो। अगर आप यस करेंगे तो आपको शेड्यूल DI जो है वो फाइल करना होगा। अगर आप नो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो आपको चीजें समझनी होंगी, जो नया रिटर्न फॉर्म आएगा उसके अंदर किस तरीके से काम जो है आगे करना पड़ सकता है। यहां पर आपको मैं दिखाऊं तो शेड्यूल DI ये किस चीज की बात करता है, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कहता है इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। इसके अंदर आप देखेंगे तो दो ब्रेकअप आपको दिया गया, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 एज पर पार्ट सी डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, और दूसरा कॉलम है डिडक्शंस एट्रिब्यूटेबल टू द इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1 अप्रैल 20 टू 30 जून 2020 आउट ऑफ कॉलम नंबर 2। यहां पर जो अमाउंट आपका मेंशन होगा उससे आपका फिगर जो है 1/4/2020 से 30/6/2020 के रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट है वो आप यहां पर अवेलेबल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये चीज देखना होगा, डिसाइड करना होगा कि क्या अमाउंट आप 19-20 के रिस्पेक्ट में क्लेम करेंगे जो अमाउंट आपने पे किया है 1/4/2020 से 30/6/2020 के अंदर, क्योंकि आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, उसको आप या तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में काउंट कर लें या फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर ही काउंट करें, तो अकॉर्डिंगली आपको डेटा जो है वो फाइल करना होगा। दूसरा जो चेंज किया गया है वो आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो एक्सटेंशन दिया गया था अमाउंट को यूटिलाइज करने का जो टाइम पीरियड रहता है सेक्शन 54 वगैरह के अंदर, उसकी टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया गया था, तो उसमें भी आप देखेंगे अमाउंट यूटिलाइज्ड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 का पीरियड जो है उसका कॉलम अवेलेबल करवा दिया गया है। सिमिलरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में भी अगर आपका अमाउंट जो है यूटिलाइजेशन के लिए 31 मार्च 2020 तक नहीं हो पाया था, तो उसकी एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए अगर आपने यूटिलाइजेशन 1/4/2020 से 30/6/2020 के दौरान ले लिया है, तो आपको उसका भी बेनिफिट 19-20 के रिस्पेक्ट में दे दिया जाएगा। अगला जो कॉलम है वो हमारे पास है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये बात हो रही है बेसिकली सारे ही रिटर्न फॉर्म्स के अंदर, चाहे वो ITR 1 हो, चाहे वो ITR 2 हो,
हर फॉर्म के अंदर आपका चैप्टर 6A जो है वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिया गया है। इससे पहले जो हमने देखा वो था हमारे पास ITR 1, ये वाला जो फॉर्म है ये है हमारे पास ITR 2 का फॉर्म। ITR 2 के फॉर्म में भी अगर आपका कोई डिडक्शन इस प्रकार का है तो उसका भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा, उसमें आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सारा का सारा आप क्लेम कर सकते हैं 1920 के ही रिटर्न के अंदर। पहले ये चीजें नहीं अवेलेबल थी पुराने वाले फॉर्म में, अब इसे अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आप देखेंगे तो वहां पे बताया गया है इज दिस द फर्स्ट ईयर ऑफ क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA एंड वेदर कंडीशंस हैव बीन कंप्लाइड बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020। अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं सेक्शन 10AA के अंदर और उसकी जो कंडीशंस दी गई थी उस कंडीशंस को आपने कंप्लाई किया है, लेकिन कंप्लायंस डेट आपका 1/4/20 से 30/6/20 के बीच है, तो आपके लिए ये एडिशनल कॉलम जो है एप्रोप्रिएट रिटर्न फॉर्म्स के अंदर दे दिए गए हैं। इसके बाद आपका कैपिटल गेन से रिलेटेड जो शेड्यूल्स हैं जो यूटिलाइजेशन के लिए वो ITR 2, ITR 3 सारे फॉर्म्स के अंदर एप्रोप्रिएटली इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग ITR फॉर्म्स के अंदर जो है उन सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए डेटा अपडेट कर दिया गया है, रिटर्न फॉर्म जो है नोटिफाई कर दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो शेड्यूल 6A का जो चैप्टर है उसमें बताया गया वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर पार्ट बी, वो था पार्ट सी। यहां पर है पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A जिसके अंदर आप जो डिडक्शंस क्लेम करते हैं वो ATG का, ATGGC का, ATGGA का ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल करवा दिया गया है। यानी कि अगर आपने कोई डोनेशंस करा है तो 1/4/2020 से लेके 30 जून 2020 तक का जो डोनेशन होगा वो अगर आप 1920 में क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शेड्यूल नंबर जो है DI का सीरियल नंबर कैपिटल A फाइल करना होगा और अकॉर्डिंगली आप अपना बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। यहां पे मैंने ओपन कराया है शेड्यूल DI जहां पर आप ATG, ATGGA एंड ATGGC से रिलेटेड डेटा जो है इन्वेस्टमेंट का वो पुटअप कर सकते हैं। इसके बाद फिर से वही चीज है कि कैपिटल गेन से रिलेटेड अगर आपका कोई परचेज है या कोई एक्विजिशन करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी नया कंस्ट्रक्शन कराते हैं और उसका टाइम पीरियड 31 मार्च 2020 तक था तो उस पीरियड के अंदर आप नहीं करा पाए तो 1/4/2020 से लेके 30 जून 2020 तक जो भी परचेज एक्विजिशन या परचेज कंस्ट्रक्शन होगा उन सारे चीजों का बेनिफिट अंडर सेक्शन 54-15GB का ऑप्शन जो है वो आपको अवेलेबल करवा दिया गया है नए वाले रिटर्न फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से अब आपका रिटर्न्स जो है अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो चुका है, अब आपको रिटर्न फाइल करने में दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी ये फॉर्म्स जो है यूटिलिटीज के फॉर्म में आपको पोर्टल पे भी नजर आएंगे, जैसे ही पोर्टल पे ये अपडेट होता है आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लाइव फाइलिंग जो है वो भी शेयर की जाएगी। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GST से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7 जो है उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है और नया फॉर्म जो है उसे नोटिफाई कर दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।